अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। मैं ना सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, ब्लैक कॉफी, घर, कपड़े, एवरीथिंग, पर डैड के बिना मैं डैड के बिना कुछ भी कैसे मैनेज कर सकता हूँ, सोच भी नहीं सकता। हाँ डैड, हाँ डैड, मुझे मेरे डैड चाहिए, हर जगह, हर वक्त, हर चीज में मेरे लिए, मुझे मेरे डैड चाहिए। पर मेरे डैड के पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए, उनके पास टाइम ही नहीं है। उनके पास टाइम है तो वो राजवीर के लिए, उस राजवीर के लिए वो हमेशा अवेलेबल है, दैट्स फॉर श्योर। श्योर डैड, क्या कहूं मैं आपसे डैड, मैं अरेस्ट हुआ, अरेस्ट हुआ, आपको बताया क्यों अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद अंशुमन ने आपको एक ऑफर दिया था कि अपनी आधी प्रॉपर्टी दो और अपने बेटे शौर्य को रिलीज करवा लो, पर आपने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया डैड। आपने अपनी प्रॉपर्टी बचा ली पर अपना बेटा त्याग दिया डैड। फिर क्या हुआ, और राजवीर अरेस्ट हुआ, और उसके बाद आप जैसे हाइपर ही हो गए, उसे रिलीज करवाने के लिए आप डेस्परेट हो गए डैड, और फिर आपने क्या किया, आपने अपने पूरी प्रॉपर्टी त्याग दी उसे छुड़ाने के लिए। डैड, मैं आपका बेटा हूं, आपका खून है मेरी बॉडी में, मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है डैड, मेरा रिश्ता है आपसे डैड। राजवीर कौन है, क्या लगता है वो आपका? आखिर इतना फर्क क्यों डैड? फर्क नहीं है शौरफ, किसी में कोई फर्क नहीं है मेरे बेटे, सच कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सच, मैं तुझसे भी उतना ही प्यार करता हूं, इनफैक्ट मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। प्रॉपर्टी तो बहुत छोटी बात है, मैं तेरे लिए सब कुछ, दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूं, बिलीव मी शौरफ, बिलीव मी। ये सब सिर्फ आपकी बड़ी बड़ी बातें हैं डैड, I'm tired of it। बड़ी बातें नहीं है शौर्य, तुम ना भी समझोगे नहीं, मोर ओवर योर ड्रंक, ओके, जब होश में आओगे ना तब बात करेंगे इस बारे में। टेक केयर ऑफ हिम। सिर्फ मेरी बातों को गलत प्रूफ करने पे तुले होते हैं डैड, कुछ भी हो सिर्फ मेरी शराब को ब्लेम करते हैं, सिर्फ एटीट्यूड दिखाते हैं और चले जाते हैं मेरे डैड। ठीक है मिस्टर करण लूथरा, अगली बार बात होशो हवास में होगी। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से करण सर का कोई भी नुकसान हो। राजवीर, तुम ये सब मत बोलो प्लीज, हम सब कुछ जानते ही हैं। हाँ राजवीर, पर हमारे सामने जो है वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, अंशुमन पांडे है। बहुत ही शातिर, इतनी आसानी से वो बेवकूफ नहीं बनने वाला। She's right. अंशुमन पांडे ये जानता है कि हम ये कोलैबोरेशन नहीं चाहते। We are doing it out of force. बिल्कुल किसी का मन नहीं है कोलैब करने का उसके साथ। Exactly. इसलिए वो कुछ ज्यादा ही केयरफुल है और बहुत ही कम बात कर रहा है। हाँ, पर
आई मस्ट से पलकी, जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक किया, है ना वरुण? हाँ, कौन सी बात? अरे भाई, कि अगर पलकी स्टेज पर ना जाती और अनाउंसमेंट ना करवाती कि अंशुमन पांडे कुछ कहना चाहता है, और फिर अगर वो कन्फेस नहीं करता कि क्यों उसने बेल करवाई राजवीर और शौर्य की, तो बाद में वो अपनी बात से मुकर सकता था। वो कह सकता था कि उसे कोई गलत फहमी हो गई थी कि राजवीर शौर्य इनोसेंट है, लेकिन अब क्योंकि पलकी ने और राजवीर की मासी ने उसे फोर्स किया और उसे कन्फेस करवाया कि वो सच में मानता है कि राजवीर और शौर्य इनोसेंट है, तो अब वो अपनी बात से पलट नहीं सकता, वो डिनाई नहीं कर सकता अपना स्टेटमेंट। राइट, एग्जैक्टली। हाँ, वो ये नहीं बोल पाएगा कि यू नो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। राइट, क्योंकि उसने जो प्रेस वालों को कहानी बताई है वो ये बताई है कि उसके मैनेजर ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, और जब उसे पता चला कि उसका मैनेजर उसे मैनिपुलेट कर रहा था तो उसने उसे फायर कर दिया और हमसे माफी मांग ली, जिससे कि हमें लगा वो बहुत अच्छा इंसान है और हमने उसे कोलैबोरेशन के लिए ऑफर दे दिया। लेकिन उसने सबके सामने ये तो कह दिया कि मैं और शौर्य इनोसेंट है, और ये भी कह दिया कि उसे गलत फहमी हुई थी, तो फिर ये कोलैबोरेशन करने की जरूरत क्या है? हम उसे कह सकते हैं कि वो चला जाए, नहीं करना कोलैबोरेशन, लेट्स गो। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी हम सबको यही प्रिटेंड करना है कि हम ये कोलैबोरेशन उसके साथ कर रहे हैं, और बहुत खुशी से, क्योंकि वो बहुत चालाक है। उसने सिर्फ वर्बली मीडिया को ये कहानी सुनाई है, अगर कल को कोई प्रूफ मांग लेगा तो हमें कोई प्रूफ तो चाहिए ना। उसके लिए हमें एटलीस्ट उसके मैनेजर का टर्मिनेशन लेटर चाहिए, वो भी बैक डेट का, क्योंकि अगर हमने अपने कोलैबोरेशन से बैकआउट कर लिया तो ये तो हड़बड़ा कर बोल देगा मीडिया में कि हमने उसे फोर्स किया था और वो सब गलत था, और मैनेजर को उसने कभी टर्मिनेट ही नहीं किया, वो तो अभी भी काम पर है, क्योंकि टर्मिनेशन लेटर कहीं है ही नहीं, और ऊपर से उसका मैनेजर तो उस पर मोहर लगा देगा कि हाँ मैं तो कभी जॉब से टर्मिनेट हुआ ही नहीं। अंशुमन इतना बेवकूफ नहीं है, उसने अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें फंसाने के लिए अपने पास रखा हुआ है, सो चिल, और अभी यही प्रिटेंड करते रहो कि हम ये कोलैबोरेशन उसके साथ करना चाहते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।